अस्सलामु अलैकुम। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट पैरोटिड ग्लैंड, कि पैरोटिड ग्लैंड जो है वो कहाँ पर होता है और इसकी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई किस तरह होती है। अच्छा, जो पैरोटिड ग्लैंड है इसके बारे में अगर थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखें, हम कहेंगे कि दिस इज सलाइवरी ग्लैंड। जो पैरोटिड ग्लैंड है सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड, यानी क्या सीक्रेट करता है, सलाइवा, ठीक है, सलाइवा सीक्रेट करता है। दूसरी बात आती है इसकी लोकेशन, किसकी लोकेशन कहाँ पर है, ठीक हो गया, मतलब कहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि माउथ में है, ठीक है, लाजमी बात है, सलाइवा माउथ में ही प्रेजेंट होता है। अच्छा, माउथ में भी कहाँ, बिलो इन फ्रंट, मतलब जो माउथ है वहाँ जो हमारे कान है, कान से थोड़ा सा बिलो, मतलब नीचे, मैं ये लिखूँगा कि बिलो एंड फ्रंट ऑफ द ईयर, माउथ, ठीक है, एट द माउथ या इन द माउथ, बिलो थोड़ा नीचे होते हैं, कहाँ पर, फ्रंट ऑफ ईयर, ठीक है, जो हमारे कान होते हैं ना उसके थोड़ा नीचे होते हैं। फिर बात आती है नर्व सप्लाई की, कि नर्व सप्लाई क्या है पैरोटिड ग्लैंड की। पैरोटिड ग्लैंड की नर्व सप्लाई जो है, नर्व सप्लाई वो आती है फेशियल नर्व से, ठीक है, फेशियल नर्व। फेशियल नर्व कौन सा क्रीनियल नर्व है, देखो ना, फेशियल नर्व जो है वो क्रीनियल नंबर 7 है, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं इसकी, मतलब किस तरह होती है इसकी नर्व सप्लाई। तो मसलन ये हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड है, ठीक है, मसलन ये हमारे हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड है, ठीक है, जो फिर ये जो इसका फेशियल नर्व है ना, ये फेशियल नर्व आती है, ठीक है, ये फेशियल नर्व, जैसे ही फेशियल नर्व आएगी तो डिवाइड होगा दो पोर्शन में, मतलब दो हिस्सों में, एक का नाम है टेम्पोरो फेशियल डिवीजन, दूसरा है सर्वाइको फेशियल डिवीजन, ठीक है, इसका नाम है फ्रंटल, सॉरी टेम्पोरो फेशियल डिवीजन, टेम्पोरो, ठीक है, टेम्पोरो फेशियल डिवीजन, ठीक है, और जो नीचे वाला है इसका नाम है फेशियल सर्वाइकल डिवीजन, सॉरी सर्वाइको फेशियल डिवीजन, सर्वाइको फेशियल डिवीजन, और ये क्या है, ये खुद जो है फेशियल नर्व है, ठीक हो गया। अब जो मुख्तलिफ डिवीजन है ना वो यहाँ इनमें से निकलेगी, पहले यहाँ से दो निकलती है इस तरह, मतलब पैरोटिड ग्लैंड के ऊपर इस तरह निकलती हैं, ठीक है, फिर ये निकलती है यहाँ से, मतलब दो यहाँ से निकले, ठीक है, चार यहाँ से निकलते हैं, एक यहाँ से, एक यहाँ, एक इस तरह और एक इस तरह, दो ऊपर से निकले, चार नीचे से। अब इनके नाम लिख देते हैं, जो पहला है उसका नाम है टेम्पोरल डिवीजन या टेम्पोरल नर्व, ठीक है, टेम्पोरल नर्व इसका है जाइगोमैटिक नर्व, ठीक है, और इसका नाम है अपर बकल, इसका नाम है लोअर बकल, ठीक हो गया, और ये है मार्जिनल ब्रांच। ठीक है, और लास्ट बचता है ये है सर्वाइकल ब्रांच, यानी सर्वाइकल नर्व। तो ये टोटल होती है, मतलब नर्व सप्लाई ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। दोबारा देखें, पैरोटिड ग्लैंड नर्व सप्लाई ये क्या है, ये खुद पैरोटिड ग्लैंड है, ठीक है, याद रखना, पैरोटिड ग्लैंड फेशियल नर्व आया, फेशियल नर्व डिवाइड हो गया टेम्पोरो फेशियल डिवीजन में और सर्वाइकल फेशियल डिवीजन में, ठीक हो गया। फिर क्या होता है कि दो ब्रांच ऊपर से निकलते हैं, चार ब्रांच नीचे निकलते हैं, तो ये इनके उनके नाम हैं।
टोटल कितने हैं? दो, तीन, चार, पाँच, छः। अच्छा, तो यहाँ पर नर्व सप्लाई कंप्लीट हो जाती है। अब बात कर लेते हैं इसकी ब्लड सप्लाई की, कि ब्लड किस तरह सप्लाई होता है इस पर। ठीक है, ब्लड सप्लाई यानी कौन कौन सी आर्टरीज जो होते हैं वो इसको सप्लाई करते हैं। जो पैरोटिड ग्लैंड है, सेम वही डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड है इस तरह, नीचे से यहाँ पर आती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी आती है इस तरह। फिर जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, वहाँ से यहाँ से इसकी एक ब्रांच निकलती है, ठीक, मैक्सिलरी आर्टरी। मैक्सिलरी आर्टरी इसकी ब्रांच निकलती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से, फिर यहाँ से भी एक ब्रांच इस तरह निकलती है। अब इनके नाम लिख देते हैं, ये क्या है, एक्सटर्नल एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और ये क्या है, मैक्सिलरी आर्टरी। ठीक हो गया, और ये क्या है, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, ये क्या है, पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर आर्टरी। पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर आर्टरी, तो ये कंप्लीट हो जाता है हमारा। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी आती है, ऊपर चली जाती है, उसका नाम चेंज बन जाता है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। दो ब्रांच देता है, एक है मैक्सिलरी आर्टरी और यहाँ एक ब्रांच देता है जिसे कहते हैं पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर आर्टरी। सो दिस इज होल अबाउट पैरोटिड ग्लैंड एंड इट्स नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई एंड इट्स लोकेशन।